videos like here. Please go back and be seated. Please be. नमस्कार, मैं इस्लामुद्दीन खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई एमएमओली स्टेडियम से लगकर ठाणे महानगर पालिका का स्कूल है। इस स्कूल में डीवीएस बैंक और ठाणे महानगर पालिका की तरफ से फुटबॉल मैच रखा गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर मौजूद थे। आपको बता दें कि सचिन तेंदुलकर डीवीएस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर भी है। खासकर मुंबई शहर के लिए ये बड़ी बात है कि जो सचिन तेंदुलकर जैसी शख्सियत उनके शहर में आई। हालांकि सचिन इस दौरान बच्चों से बातें भी की और उन्हें खेलकूद की दुनिया में जमे रहने को कहा। तो जितना मैं समझता हूं कि मेरे सामने यहां पे कल के सुपरस्टार्स बैठे हुए, मगर अपनी पैशन जानने की कोशिश करो। के साथ कई सारी चीज़ें एसोसिएटेड हैं, उनके पीछे मत भागो, मैं यही कहूँगा आपको। क्योंकि जब आपकी उम्र बढ़ जाए तो आपको सडनली रियलाइज़ होगा कि जो भी आप बनना चाहते थे लाइफ में वो बने नहीं हैं। और ग्लैमरस चीज़ों के पीछे आप भाग रहे हो तो आपको पता नहीं चलेगा कल कहाँ जाना है। मैं यही कहूँगा बच्चों को कि अपनी पैशन जानने की कोशिश करो। और जो मैंने किया कि आई चेज माई ड्रीम्स, मैं आपको वही एक एडवाइस दूंगा कि चेज योर ड्रीम्स, बिकॉज ड्रीम्स डू कम। आप जब सोए होते हो तब आप ख्वाब देखते हो, मगर जब आपके आँख खुल जाते हैं तो उसी समय आपकी नई जर्नी शुरू हो जाती है आपके ख्वाब को चेज करने के लिए। स्पोर्ट्स की वजह से मुझे सिर्फ भारत में ही घूमने नहीं मिला, मगर अलग अलग देशों में, दुनिया में जाने के लिए मिला। इंडिया को रिप्रेजेंट करने मिला। क्रिकेट ने तो बहुत कुछ दिया मुझे लाइफ में, क्रिकेट ने बहुत कुछ सिखाया भी मुझे लाइफ में। जो एक टीम स्पोर्ट है जहाँ पे आप एक दूसरे के लिए। दौरान ग्राउंड में मौजूद बच्चों ने सचिन की बड़ी तारीफ की। सचिन तेंदुलकर के बारे में बच्चों ने क्या कहा और साथ ही आपको सचिन के फैन ने क्या कहा वो भी सुनाते हैं। स्कूल का नाम क्या है? टीएमसी स्कूल 96। आपका नाम क्या है? खान सलमान मारूफ। आप कितनी क्लास में हो? 6। आप यहाँ पे कब से खेल रहे हो और आपके क्लास टीचर को ने फुटबॉल कौन खिला रहा है आपको? या शायन। आप आज सचिन तेंदुलकर यहाँ पर आए तो आपको क्या मैसेज मिला, आपको कैसा लगा आप लोगों को? मुझे बहुत अच्छा लगा। आप क्या बनना चाहते हैं आगे चल? फुटबॉलर। सब बहुत अच्छा लगा, हम लोग से पहली बार मिलने आए थे, हमें बहुत अच्छा लगा कि हमें आया था, हैंड शेक किए थे। सचिन तेंदुलकर ने कहा है कि खेलना जरूरी है, क्या लगता है आपको? सर सही बोले, सर ने खेलना बहुत जरूरी है, हम लोगों को आगे जाके फुटबॉलर बनना है। आपका नाम बताइए। खान तमन्ना मारूफ। टीएमसी स्कूल। पहले कैसे खेलते थे, आज सचिन तेंदुलकर ने क्या किया इसमें? पहले हम अंधेरे में खेलते थे, सचिन तेंदुलकर ने हमें लाइट लगा के दिया कि हमें ना खेलने में दिक्कत ना और हमें किसी को लगे ना, और बच्चों के लिए बहुत अच्छे से किए। यस सर। और आज खुद सचिन आपके पास आए थे, आप लोग उनके साथ में, क्या कहा उन्होंने, क्या मैसेज आप उनको दिया? उन्होंने मैसेज पेरेंट्स के ऊपर दिया था, जो पेरेंट्स अलाउड नहीं करते बच्चों को खेलना कि उनको भी समझ में आए, और जो अलाउड नहीं करते उनको भी खेलने में मिले। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सचिन से हाथ मिला के। सचिन ने देखे कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा सर। उनसे कुछ प्रेरणा लिया आपने? उन्होंने कहा कि बचपन में वो भी ऐसी ग्राउंड में खेले थे। यह सब बहुत अच्छा लगा कि वो बचपन से खेल रहे, हम लोग भी बचपन से खेलते, बहुत अच्छा लगा। मालूम चले कि सचिन सर आ रहे हैं और सचिन सर हर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देते हैं ताकि बच्चों का विकास हो, और आज सचिन सर क्रिकेट में नाम कमाए तो चाहते हैं कि सचिन सर अगर कोई क्रिकेट हो, हर खेल में हो, जैसे फुटबॉल में भी हो, टेनिस में भी हो, वॉलीबॉल मत कबड्डी में भी हो, तो देश का नाम रोशन करें, इसके लिए सचिन सर बच्चों के लिए आते हैं और मुझे बहुत खुशी होती है। कितना ज़रूरी है मैदानी खेल खेलना, जैसे लोग खेलना, क्रिकेट और कोई भी खेल खेलना कितना ज़रूरी है? नहीं, वो शरीर के लिए तो बहुत ज़रूरी है और
शरीर के साथ साथ जब बड़े हो तो देश के लिए भी जरूरी होती है जो एक बड़ा पदक हो। सचिन को मिस करते हैं अभी मैच जब देखते हैं क्रिकेट का, आपको हम देखते हैं सचिन को मिस करते हैं? हाँ, हमेशा मिस यू तेंदुलकर 10 लिखकर टीम इंडिया को चेयर करते हैं। सचिन को मिस करते हैं लेकिन इंडिया को चेयर करते हैं। फिलहाल के टीम में कौन सचिन लगता है आपको, जो फिलहाल जो टीम है इंडिया की? बस मुझे तो सब लगता है और सबको सपोर्ट करते हैं टीम इंडिया को। सब अच्छे परफॉर्म करते हैं, हम टीम इंडिया को सपोर्ट करते हैं। ये शंख नहीं, ये है जंगे ऐलान। सचिन सर सबसे महान। आपने सुना और देखा भी कि बच्चे कितने खुश थे इस कार्यक्रम में। सचिन को देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। एक तरह से देखा जाए तो पूरा जन सैलाब उमड़ पड़ा था सचिन तेंदुलकर को देखने के लिए। इस दौरान बात की हमने ठाणे महानगर पालिका की महापौर और डिप्टी कमिश्नर मनीष जोशी से। आपको सुनाते हैं क्या कहा उन्होंने। इस ग्राउंड में आए और जो आज इन्होंने सीएसआर फंड से जो एलईडी लाइट लगाया उसके इनॉग्रेशन के लिए आज इधर सचिन तेंदुलकर जी आए। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी बात है हमारे बच्चों के लिए भी, और बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हमारे टीएमसी के बच्चों को इनकरेज करने के लिए आज वो यहाँ पे आए। तो मैं डीबीएस बैंक का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मतलब यहाँ जो डीबीएस बैंक जो है उन्होंने अपने सीएसआर एक्टिविटी के तहत मुमरा के जो कौसा का जो टीएमसी स्कूल में आज जो इन्होंने ये प्रोग्राम किया वो तो मैं सोचता हूँ वो एक मील का पत्थर बन गया है। मील का पत्थर इसलिए बन गया है कि सचिन तेंदुलकर तो आए, उन्होंने आज मुमरा की धरती पे पहली बार कदम रखा, लेकिन उसी के साथ एक सुविधा तैयार हो गई। वो सुविधा ऐसी है कि हम देखते हैं कि ग्राउंड तो बना हुआ रहता है लेकिन हमारे बच्चों की एक जो रॉ एनर्जी होती है वो कैसे इस्तेमाल हो, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड बनना ज़रूरी है और उन ग्राउंड का सही समय पर सही ढंग से इस्तेमाल होना ज़रूरी है। लेकिन हम देखते थे कि ग्राउंड तो है लेकिन लाइटिंग सिस्टम नहीं है। तो आज रियली डीबीएस बैंक और सचिन तेंदुलकर इनका हम एकदम मन से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आज हमारे लिए सुविधा दी, और मैं आशा रखता हूं कि मुमरा वासी इस सुविधा का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। और वो दिन दूर नहीं है जब मुमरा शहर से मेसी भी तैयार होगा। एक मनीष जोशी ने बताया कि ठाणे महानगर पालिका से बैंक हो या फिर कोई संस्था, हर कोई जुड़ना चाहता है। तो वहीं डीबीएस बैंक ने ठाणे महानगर पालिका के स्कूल को 75 लाख रुपए दिए हैं जिससे वहां बेहतर लाइट और बुनियादी जरूरतों को पूरा किया जा सके। अब तक बच्चे इस ग्राउंड में अंधेरे में खेलते थे लेकिन डीबीएस बैंक की इस पहल से अब बच्चे इस ग्राउंड में उजाले में आनंद के साथ खेल सकेंगे। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।